Hello aspirants, welcome to Simran IAS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Maps History. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर कौन कौन सी जो मेजर पावर्स थी वो इंडिया में नॉर्थ इंडिया में पावर में रोज होती हैं और कौन कैसे जो हर्षवर्धन है वो नॉर्थ इंडिया को फिर से दोबारा से यूनिफाई करते हैं. जो गुप्ता थे 5th century AD में डिसइंटीग्रेट हो जाता है गुप्ता एम्पायर ड्यू टू वेरियस रीजन्स, जैसे उसमें अनेबल रूलर्स थे, हूण जो थे उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था. तो बेसिकली 5 major पावर्स थी, हूण्स थे, मौखरीस थे, मैत्रकास थे, पुष्यभूतिस थे और गॉड्स थे. जो हूण जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे. इन्होंने जो पहली बार इन्वेजन किया वो कुमार गुप्त के टाइम पे किया, लेकिन तब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए. उनके बाद जो आने वाले जो लेटर गुप्ता रूलर्स थे वो उतने एबल नहीं थे, तो हूण्स के अटैक को नहीं रोक पाए. इन्होंने नॉर्थ इंडिया को 30 ईयर्स तक, थोड़ा टाइम 30 ईयर्स का कम टाइम है, लेकिन इन्होंने रूल किया. मेहरकुला जो थे वो हूण के रूलर थे. बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ये लिखा हुआ मिलता है कि मेहरकुला जो थे उन्होंने बुद्धिस्ट को प्रोसिक्यूट किया था, उन पर जुल्म किया. फिर बाद में गुप्ता रूलर थे नरसिम्हा गुप्ता बालादित्य राजा टू. वो यशोवर्धन के साथ मिलके मेहरकुल को हरा देते हैं और हूण्स का जो है रूल ख़त्म हो जाता है. पर इसके बाद भी जो गुप्ता जो साम्राज्य था, गुप्ता जो एम्पायर था, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, रिवाइव नहीं होता. और इसके साथ ही जो मगध जो था, पाटलिपुत्र था, एंशियंट टाइम से एक इनकी पॉलिटी में इम्पोर्टेंस थी, वो गुप्ता एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होते ही वो इम्पॉर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है. अब थोड़ा सा देखते हैं 5 जो बाकी 4 बची हुई हैं डायनेस्टीज. एक मौखरीस थी. मौखरीस जो थे ये वेस्टर्न यूपी में कन्नौज के आसपास इनका रूल था. इन्होंने लेटर गुप्तास को हरा के अपना रूल एस्टेब्लिश किया था. गृहवर्मन थे इनके किंग, जो बाद में हर्षवर्धन के ब्रदर इन लॉ भी बनते हैं. मैत्रिकास थे, इनकी कैपिटल वल्बी थी. वल्बी सीट ऑफ लर्निंग, यहाँ पे यानी कल्चर, एजुकेशन और ट्रेड जो है वो बहुत प्रमोट हो गया. पुष्यभूतिस थे, थानेश्वर यानी नॉर्थ ऑफ दिल्ली में इनकी कैपिटल थी. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर वो प्रभाकर वर्धन थे. इनकी मौखरीस के साथ मैरिज अलायंस थी, यानी कि जो मौखरी किंग गृहवर्मन थे उनकी शादी प्रभाकर वर्धन की बेटी से हुई थी. फिर एंड में गॉड थे, ये बंगाल में रूल करते थे. इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो हैं वो शशांक थे. अब हम वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. जो इनके जो फाउंडर थे वो पुष्यभूति थे. ये पहले इनके बारे में कहा जाता है कि ये फ्यूडेटरीज थे गुप्तास के, अपने आप को वर्धन बोलते थे. हूण इन्वेजन के बाद ये इंडिपेंडेंस एज्यूम कर लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं. उस टाइम पे गुप्तास के बाद नॉर्थ और साउथ इंडिया में अलग अलग रूलर थे. ये सेम वैसे हुए जैसे मौर्यस के बाद नॉर्थ में अलग रूलर आ गए, साउथ में सतवाहन थे. तो साउथ में उस टाइम पे पोस्ट गुप्ता पीरियड में चालुक्यस थे, जिनको गॉड ऑफ साउथ बोलते हैं, और पल्लवास थे. नॉर्थ इंडिया में जो पावर में आए इन सब 5 में से वो थे वर्धन या पुष्यभूति. नेक्स्ट हम देखते हैं वर्धन डायनेस्टी के बारे में कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट रूलर्स थे. सबसे पहले प्रभाकर वर्धन जो थे उन्होंने महाराजाधिराज का जो टाइटल है वो भी अज्यूम किया. उनके 3 बच्चे थे, एक राज्यवर्धन थे, हर्षवर्धन थे, उनकी बेटी राज्यश्री थी. जो राज्यश्री की जो शादी है वो हो जाती है गृहवर्मन से, जो मौखरी किंग थे. लेकिन जो शशांक गौड़ के बारे में हमने पढ़ा जो बंगाल में रूल करते थे, वो क्या करते हैं, उनको जो गृहवर्मन है उसको मार देते हैं. तो उसका बदला लेने के लिए जो राज्यवर्धन है वो लड़ने जाते हैं, लेकिन जो राज्यवर्धन है उसको भी जो शशांक है उसको मार देते हैं और राज्यश्री को किडनैप कर लेते हैं. तो अपने भाई का बदला लेने के लिए और अपनी बहन को आज़ाद करवाने के लिए जो हर्षवर्धन है वो जाते हैं. इसमें उनकी हेल्प कौन करता है, कामरूप यानी के प्रेजेंट डे असम के किंग थे भास्कर वर्मन, उनके साथ मिलकर शशांक को हराते हैं और अपनी सिस्टर को वहाँ से ये छुड़वा लाते हैं. अब हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में देखेंगे. ये देखिए लर्न बाय मैप जो है उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एरिए में ये रूल करते थे. उज्जैन था, वल्लभी था, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया इनका रूल था वहाँ पे.
और जो नर्मदा ये रिवर है ना वो इनकी सदर्न बाउंड्री थी। उसके बाद चालुक्यास थे, फर्दर साउथ में आप देख सकते हैं चोलास थे, चेरास थे, पांड्यास थे, पल्लव थे। इनकी जो आर्मी थी उनमें फुट सोल्जर थे, हॉर्सेस थे, चैरियट्स थे, एलिफेंट्स थे, यानी कि इनकी काफ़ी अच्छी वेल मेंटेन्ड आर्मी थी। लेकिन इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम जो हमें पता चली है वो ह्यून सोंग की बुक से पता चली है, सुयू की से, कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छी तरह से उस टाइम पे मेंटेन नहीं हुआ था। टैक्सेशन बहुत कम थी, फोर्स्ड लेबर भी बहुत कम थी, और जो रूल था ना वो डिसेंट्रलाइज हो गया था, यानी कि एक रूलर के पास सभी पावर्स नहीं थी, उसने जो पावर्स हैं आगे असाइन की हुई थी, डिवीजन की हुई थी पावर्स की। और ट्रेड एंड कमर्स भी कहा जाता है कि डिक्लाइन हो गया। सोसाइटी जो थी वो फोर फोल्ड सोसाइटी थी, जैसे हमने एंशियंट इंडिया में पढ़ा है, फोर डिवीजन्स थी जिसमें ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। वुमन के पोजीशन अच्छी नहीं थी, डाउरी सिस्टम था, और जो विडो रिमार्ज है वो अलाउड नहीं थी उस टाइम पे। हर्षवर्धन की जो खुद की सिस्टर है वो भी विडो थी। हर्ष की मिलिट्री कंक्वेस्ट देख लेते हैं, काफ़ी सारा एरिया जीत के इन्होंने कब्जे में किया, लेकिन जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिलिट्री जो इनकी मिलिट्री की जो लड़ाई है, वॉर है, वो फेमस है पुलकेशन टू के साथ, जो हमें पता चलती है आई होल इंस्क्रिप्शन से और ह्यून सॉन्ग से भी पता चलती है। इसमें जो पुलकेशन टू हैं चालुक्य किंग, वो हर्ष को हरा देते हैं, और जो सदर्न एक्सपेंशन है ना नर्मदा के बियॉन्ड वो रोक देते हैं। तो इन्होंने कश्मीर में भी इनका रूल था, कनौज में भी, मोखरीज के बाद इनके अंडर आ जाता है। कामरूप के जो किंग थे उनके बारे में पता ही कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। तो मोखरीज के जो ग्रहवर्मन की डेथ के बाद ये क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को थानेश्वर से शिफ्ट करके कनौज ले जाते हैं। हर्ष एंड बुद्धिज्म, ये कल्चर का पार्ट है, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड मेन्स ऑल्सो। इनके टाइम पे जो हिस्ट्री है वो एंशियंट से मिडिवल टाइम पे ट्रांजिट होती है, ट्रांजिशन होती है। इनके फर्स्ट किंग थे जिन्होंने साइनो इंडियन यानी कि चाइनीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए थे। ह्यून सॉन्ग आए थे, काफ़ी टाइम इंडिया में रहते हैं, लगभग 15 साल इंडिया में रहे, और कनौज असेंबली हुई, अलाहाबाद असेंबली हुई। इनके बारे में कहा जाता है कि पहले जो हर्षवर्धन थे वो शिवजी को मानते थे, लेकिन जो ह्यून सॉन्ग है वो इनको महायान बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कनौज असेंबली थी वो 28 दिन चली थी, और अलाहाबाद प्रयाग असेंबली थी। ये कहते हैं कि हर्षवर्धन 5 साल में एक बार कोई ना कोई असेंबली ज़रूर कंडक्ट करते थे। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमें पता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने एस्टेब्लिश किया था, कुमारगुप्त ने, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसको हर्षवर्धन ने पैट्रोनाइज किया, और महायान यूनिवर्सिटी का लर्निंग सेंटर था, यहाँ पे पंडित्स को, प्रोफेसर्स को पंडित बोला जाता था। ये बिहार में है, और जैसे कि यहाँ पे ह्यून सॉन्ग भी आए थे, हमें दो चाइनीज पिलग्रिम्स के बारे में पता है, फाहयान के बारे में जो गुप्ता के टाइम पे आए, और ह्यून सॉन्ग। उसके बिना तीसरे आए थे, इटसिंग थे वो, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी एक चाइनीज ट्रैवलर थे। फिर हम लिटरेरी सोर्सेज देखते हैं, दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हर्षवर्धन जो खुद थे वो खुद स्कॉलर थे, संस्कृत में 3 बुक्स लिखी, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और बाण भट्ट थे, वो उनके कोर्ट पोइट थे और बायोग्राफर भी थे। हर्षचरित्र लिखी, एक और बुक लिखी कदंबरी में लिखी, कदंबरी थी। हर्षवर्धन जो बुक लिखी वो संस्कृत में लिखी। इसके बिना हमें और लिटरेरी सोर्सेज में सुयू की है, ये ह्यून सॉन्ग की बुक है जिसका जो मीनिंग है वो है माई एक्सपीरियंस। आई होल इंस्क्रिप्शन मिलती है हमें लिखी हुई, मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन है, सोनापत है, बानखेड़ा है। इनमें आई होल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें एविडेंस मिलता है, लिखा हुआ मिलता है कि पुलकेशन टू ने जो हर्षवर्धन है उनको हरा दिया था। तो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, जो बाकी नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।